हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टॉपिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे भाई। चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसी भी फिगर के ऊपर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ये आपने देखा होगा। और आपने और क्या होगा, वहां पर लिखा होता है चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्म वर्ड क्या है वो मैं समझा चुका हूं, और चार्ज क्या है उसको भी मैं समझा चुका हूं। तो बहुत जनरल लेवल से हम चल रहे हैं और बहुत अच्छे से हम समझने जा रहे हैं। आप सिर्फ साथ दीजिए, मैं आपको फिजिक्स पूरे IIT लेवल तक यहीं से सिखाने वाला हूं और मैथ भी। ओनली आई नीड सब्सक्राइबर्स। जिस तरह से मेरे साथ सब्सक्राइबर्स जुड़ेंगे उसी तरह के अकॉर्डिंग में टॉपिक्स लाऊंगा, और जितने भी टफ टॉपिक्स हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छी चीज मैं बताने जा रहा हूं, ये एक वायर है। आपने वायर को चार्ज देने के लिए आपने कनेक्टर जोड़ दिया, अब वो सारा चार्ज यहां आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है। टोटल चार्ज इज कलेक्टिंग हियर। अब सवाल आप खुद सोचिए, सोचने के ऊपर काम है भाई। इतनी बड़ी आपके पास में कोई शीट है लोहे की, और जरा सा आप जरा करंट से जोड़ दीजिए, जरा पूरे पे चार्ज आ जाएगा। यहां से जोड़ जानते हो ना, आप सब जानते हो कितना बड़े बड़े तार इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो चार्ज फैल कैसे जाता है, व्हाट इज द रीजन टू स्प्रेड टू डिस्ट्रीब्यूट, इसी को हम समझने जा रहे हैं। जब हम किसी रोड वगैरह को चार्ज देते हैं, यानी कि चार्ज का मीन्स क्लस्टर ऑफ चार्ज, ढेर सारा चार्ज हम दे देते हैं किसी भी क्लस्टर ऑफ चार्ज, सही है। तब वो क्या करता है कि वो ड्यू टू रिपल्सन, वो जो मैंने चार्ज में समझाया था, क्योंकि चार्ज सेम है तो ड्यू टू रिपल्सन, रिपल्सन में क्या होता है चार्ज के साथ कि वो एक दूसरे से दूर जाता है। सेम चार्जेस ऑलवेज गो टू फॉर अवे। अब ये सारा चार्ज मान लो यहां पर था, ये एक जगह था, अब वो क्या कर रहा है, ये हटा, ये इधर को ये हटा, फिर ये वाला इधर को हटा, ये इधर को हटा, ये ऐसी वो हटते जाते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जब हम किसी बॉडी को चार्ज देते हैं तो चार्ज इसी वजह से दूर तक चला जाता है कि वो रिपल्सिव होता है, और हर पॉइंट पर अपना इक्वल फोर्स होगा, हर चार्ज का अपना इक्वल फोर्स होता है। अब सवाल ये कि अगर इन चार्जेस का अपना इक्वल फोर्स ना हो तो क्या होगा, तो भी जाएगा, जाएगा ड्यू टू एक्सीलरेशन, जाएगा जाएगा, नोट रखो आप। अब यार ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज, अब रोड तो इतनी बड़ी थी तो भाई रोड के बाहर क्यों नहीं गया। अब यहां पर देखिए सवाल, बात को समझो आप, रोड तो यहां खत्म हो गई। चार्ज जो है इनफाइनाइटली जाना चाहता है, जितना लंबा आप तार लगा दें, जहां तक भी आप कनेक्शन कर दें, चार्ज वहां तक ट्रेवल करेगा। लेकिन फिर जब यहां तार खत्म हो गया तब चार्ज आप कह रहे कि इनफाइनाइट जाएगा, तो जा तो नहीं रहा, जा रहा है, उसको लीकेज बोलते हैं, हो रहा है, जा रहा है। लेकिन चूंकि अब जहां तार खत्म हुआ तो मीडियम खत्म हो गया, चार्ज के चलने का जो मीडियम है वो खत्म हो गया, यहां पर क्या मिल गई, एयर मिल गई। अब एयर इज इंसुलेटर, चार्ज डज नॉट मूव इन एयर बिकॉज दैट इज इंसुलेटर। तो सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड दैट चार्ज इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू मूव इन इंसुलेटर, एंड आई हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर इन द फ्यू टॉपिक्स। सो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड टिल नाउ, द चार्ज tries to move away to each other is the lost infinitely till the ends. So according to this base, we have learned and understood till now. I would like to introduce
the charge moves in this way. Now we will use few different figures and the different types of moving or distributing the charge in different shapes. So for it, there are three kinds. Just we know and look at here. तो सबसे पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक लाइन में. तो मान लीजिए कि आप इस तरह से बना लो या इस तरह से बना लो, एक लेंथ ले लो आप, ठीक है, कोई भी आपके पास में वायर की लेंथ है, उस पर आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. अब चूंकि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए वायर, तो इसकी डेंसिटी भी होगी कि चार्ज वहां पर कितने अमाउंट में है, कितने मीटर में है. और हम जो है बहुत ज्यादा बड़े चार्ज पर नहीं नाप सकते, सॉरी बहुत बड़े वायर पर चार्ज नहीं नाप सकते. तो हम क्या करते हैं कि कुछ पॉइंट फिक्स कर लेते हैं. मान लीजिए हमने ये एक एल वन मीटर या कुछ भी जो आप मानेंगे उसको माइंड में रखिए. अब इस पर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, एल लेंथ का वायर है, तो एक इसकी डेंसिटी भी होगी. डेंसिटी मतलब कहां पर कितना ज्यादा है कितना कम है, इसको भी बोलते हैं हम. तो मेरे वाला जो टॉपिक है जो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, मैं तो इस तरह से बोलता हूं कि जहां तक लंबाई है वहां तक चार्ज होगा. भाई जितना बड़ा वायर लेगा वो तो वहां तक चार्ज फैलेगा, जब वहां तक चार्ज होगा तो वहां तक डेंसिटी भी होगी. तो हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेंसिटी को लैम्डा से शो करते हैं. ये ध्यान रखना है डेंसिटी. अगर आप इसी लैम्डा को Q बाई एल भी लिख सकते हो, यानी कि चार डेंसिटी आपने निकाल ली, यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम पर मीटर. तो आपके पास लेंथ कितनी है भाई, लेंथ वन मीटर या कुछ भी आप लिख लो, तो आप क्या लिखोगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ. व्हाट इज लैम्डा, व्हाट इज चार्ज डेंसिटी इन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज पर यूनिट लेंथ एंड द कूलाम अपॉन मीटर इज द यूनिट. अब यहां पर ऐसा भी सोच सकते हैं हम कि इसी तार को हमने ऐसे मोड़ दिया, ठीक है, तो वही लेंथ कहां काम में आएगी, भाई रेडियस बनाने के काम में आएगी. तो यही अब किसी भी सर्किल की लेंथ क्या होती है, सर्कमफेरेंस, लेंथ ऑफ ए सर्किल इज सर्कमफेरेंस. तो इस एल को, अच्छा सर्कमफेरेंस क्या होता है भाई, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर. तो लेंथ कहां कन्वर्ट हो गई, 2 पाई आर में, तो क्या आएगा 2 पाई आर. देखिए इनका यूज हम बहुत ज्यादा करने वाले हैं और बहुत चीजों में और बहुत जगह इनका यूज होने वाला है. तो कुल मिलाकर अभी ये बात समझ में आई कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, अगला देखते हैं. अच्छा अभी इसी में एक चीज और गौर करते हैं. मान लीजिए कि आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चार्ज निकालना है. तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बहुत ध्यान से समझा दे रहा हूँ, जैसे कि एक बहुत बड़ी लंबाई है, उस लंबाई के आप किसी एक पॉइंट पर काम करोगे तो उसमें डी लगा देते हैं, डिफरेंशिएट के काम में आता है, छोटा कर देते हैं डी एल, यानी कि उसकी लंबाई में के किसी एक पॉइंट पर, छोटे पॉइंट पर आप बात कर रहे हैं. तो अगर आप छोटी सी लंबाई पर एक स्मॉल एरिया स्मॉल लेंथ पर आप वर्क कर रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि वहां पर चार्ज भी तो स्मॉल हो जाएगा, ठीक है. तो ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने अभी बोला था कि जहां, तो यहीं पर समझ लीजिए, यानी कि डेंसिटी क्या हो जाएगी भाई, स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल यूनिट एरिया. इज इट क्लियर, हाँ, पॉइंट के लिए. अब यहीं पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देना होता, इसी क्या मान लो इस पूरे तार पे से किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देना होता, तो वो क्या होता भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो छोटा हो जाता. जैसे कि आप ये जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बताइए आप, 1/4πε0 और Q/r², ठीक है, आर बना लो. देखिए समझ में तो आ रहा है, समझाने के लिए यार बस थोड़ा सा करना पड़ रहा है. यानी कि मुझे इस पॉइंट पर इस चार्ज से आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो यार पूरे वायर पर चार्ज था लेकिन मैं उसके एक पॉइंट पर काम कर रहा हूं, तो डेफिनेटली ये है कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो छोटा होगा. दोबारा समझो, एक